बाय। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बशर जाहिद। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और जिंदगी से तंग होंगे। ये बात यार समझ नहीं आती, खुश भी होंगे और जिंदगी से तंग भी होंगे। असल में बात कुछ यूं है कि आजकल ना हर कोई तंग है। मतलब आप व्हाट्सएप स्टेटस देख लें, आप फेसबुक स्टेटस देख लें, आप टिकटॉक देख लें, रोंदे ही रहते हैं यार, समझ से बाहर है, पता नहीं क्या। वही सैड सैड किस्म के, मतलब दुख भरे दास्तान लोगों ने लगाई होती है, अक्सर मैंने भी लगाई होती है। उस बात से तो नहीं आप कह रहे? बात में मैं कहता हूँ, मैं जब भी स्टेटस खोलेगा ना, तुम हमें छोड़ गई, हम तो जिंदा रहेंगे। और यार क्या है, कोई इंजॉय करो यार, क्या हो यार। हंसी भी आ रही है इस बात पे और ना समझ भी नहीं आ रही कि सैडनेस पे लोगों को कैसे हंसी आती है, जैसे मुझे अपनी सैडनेस पे ही अपने स्टेटस पे हंसी आई जा रही है। लेकिन मेरी बात ये है कि यार जिंदगी में जो मिलना है ना वो मिल जाना है, तो हमें अपने गोल्स सेट करके उन पे फोकस करना नहीं, चाहिए। नहीं, जो मिल जाना है वो मिल जाना है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस यार देखना, हम एक ही बंदे के पीछे रहते हैं और वो जो हमारी किस्मत में हम मिल जाना है, तो हमें कोई अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना चाहिए। मतलब पक्की बात है कि हर बंदा एक चीज के लिए रोता है। यार एक बात कहूँ, हम जिंदगी में खुश रहना सीखे। हाय क्या बात कर दिया, बाहर है क्या मतलब रो दोगे, क्या करना है। अब जब मैं कभी सैड होता हूँ ना, कभी वैसे बंदा कभी हो जाता है, तो मैं ये नहीं कि सैड सॉन्ग लगाऊंगा, छट गई है ना, मैं बोहेमिया या ऐसे सॉन्ग सुनता हूँ जो बंदे को ना अग्रेसिव करे, और मैं ठीक है यार। यार आज के व्लॉग में क्या क्या कर रहे हैं यार, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। अच्छा, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो बताएं। मेन टॉपिक ये है कि यार मुबशर भाई के साथ काफ़ी बार हुआ है, मेरे साथ तो कम ही होता है क्योंकि सिटी के बाहर ही होता हूँ ज़्यादातर मैं, तो बताएं ना आपके साथ होता क्या है। यार असल में बात ये है कि मैं अक्सर, मेरा बिज़नेस का सिलसिला ऐसा है कि मुझे शाम को ना निकलना पड़ता है थोड़ा ट्रैवल के लिए, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो हर बंदा मुझे, ओ मुबशर भाई आपकी वीडियो नहीं, मुबशर भाई आपकी वीडियो नहीं। मैं कहता हूँ यार सब्र कर, एक दिन तो सब्र कर लिया कर यार, ये मुबशर भाई इतना तंग करते ना, मतलब मैं ये सोच के मुझे हंसी आती है कि 500 बंदा तकरीबन मुझे कहता है कि यार आपकी वीडियो नहीं आई, तो व्यू 50 होते जाते कोई नहीं यार। बात बात वही आपको समझ इसलिए हाँ। नहीं आ रही क्योंकि हमारे चैनल पे तो कम ही व्यू आते हैं, लेकिन फेसबुक फॉलोअर्स और फेसबुक व्यूवर्स हमारे बहुत बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ थंबनेल देख के ना, जो स्टेटस पे हमने लगाया हुआ होता है, वही देख के वो पूरा लगा लेते हैं हिसाब किताब के, अच्छा ये हुआ होगा। तो यार हम बैठे इस जगह पे हैं कि हमें ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है, ये देखें क्या बात क्या बात। मुबशर भाई बैठे भी तो ऐसे ही हैं जैसे कि बिल्कुल फ्री हों अपने अपने कामों से। नहीं फ्री नहीं है, लेकिन बस जब आपसे बात करते तो फ्री होना पड़ता है। तो डिसाइड यही किया है कि यार आज से हम व्लॉग डेली पब्लिश करेंगे। यस, आप लोगों को डेली तंग करने आएंगे और आप लोगों ने डेली जो है हमारी वीडियो देखनी है। तो यार खड़े खड़े ना हमें कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिला, ये देखे ना मुबशर भाई। हम सोचिए, मैं ये इनको कह रहा था कि क्या वो टॉप तक जा सकते हैं, ये कहते हैं ट्राई करते हैं, तो देखें ट्राई जा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ये है कि यहाँ से जाना मुश्किल है ना, यहाँ से। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे भागता ऊपर पहुँच जाऊँगा, क्या क्या वो कौन था जो जंगल में होता है, पता नहीं यार, टार्ज़न बन गया जो है, लेकिन थोड़ा वो असल में मुश्किल है। बचपन में तो हम छोटे होते गांव में रहते थे ना, तो फिर चढ़ ही जाते थे ऐसे, लेकिन वो तकरीबन दरख्त ऐसा होता भी था या नहीं ये तो अब याद भी नहीं है हमें, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंसान वैसे जाना चाहे तो, बच्चे तो मेरे ख्याल चढ़ ही जाएंगे, इतना मुश्किल वैसे है नहीं। कोशिश की जाए तो चढ़ सकते हैं बशर भाई, ट्राई तो करें, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे शूज़ दूसरे हैं। नहीं, ट्राई वंस मोर। ये दिखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि हमारे दोनों के शूज काफी डिफरेंट हैं, ये देखें मेरे ब्राउन स्लिप हो जाते हैं, ये स्लिप हो जाते हैं, वो भी स्लिप हो जाते हैं, मतलब चढ़ सकते हैं अगर हाँ ऊपर कोई जो है कोई फ्रूट वगैरह हो तो बंदर खाने के लिए चढ़ सकते हैं। बांदर तो चढ़ते हैं ना, फिर इंसान में और बंदर में तो काफी डिफरेंस है ना। कोई डिफरेंस नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, इंसान की बात हो रही है। आप लोगों ने अब अपनी शाम की रूटीन सेट कर लेनी है, रात की हो या शाम की हो, हम मिलेंगे आपको एवरी डे। मतलब जब भी हमारे जो है वीडियो, आपने अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो करके रखना, जब भी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आप लोगों ने सब कुछ छोड़ देना, देखनी जरूर है,
हमें देखना है, क्योंकि हम बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग लाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग अपने आप को करने वाले हैं, अपनी बातों को इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि फैंस की बात रात नहीं कर सकते बॉस। उन्होंने कहा डेली आना, तो हम अब डेली आएंगे, जहमत तो होगी आपको, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि डेली आया करें, डेली आया करें, हम बड़ा इंतजार करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है व्लॉग्स आएंगे, जिसमें बहुत कुछ होगा, चैलेंजेस क्या आपके लिए, क्या डांस, क्या जुगाड़, क्या रेसिपीज, क्या जो भी हमें मिल गया ना, मतलब जो हमें मिला हमने पकड़ के व्लॉग में डाले। तो हमने कहा एवरी डे में कुछ भी आता है, हम कुछ खाएं, हम सोएं, हम जो भी करें सब कुछ आता है, सोएं नींद पूरी, अच्छा वो भी व्लॉग में ही आता है। तो हाँ। हमने आप सारा दिन कह रहा हूँ, एवरी डे इंशाल्लाह व्लॉग ट्राई करेंगे। तो आपने हमारे साथ सिंसियर रहना है यार, अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब का बोला नहीं है, क्योंकि हम अब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब हम सब्सक्राइब नहीं करते। मैं वो कह रहा था फैन एक हो, दो हो, 50 हो, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से भी ज्यादा हैं अब तो, अल्हम्दुलिल्लाह 1000। वैसे तो हमारे 1100 ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारी फैमिली में अभी तक तो 70-80 बंदे है। यार आप सिर्फ 1100 क्यों गिन रहे हैं, जो फेसबुक वाले हमारे, अच्छा फेसबुक पे माशाल्लाह हमें बहुत रिस्पॉन्स, क्योंकि उधर फ्री होता है, इधर थोड़ा लगाना मसला ही इधर पैकेजेस का है। असल में जिसको भी पूछे वो कहते हैं यार फेसबुक पे हमने देख ली थी। अच्छा जो जिसको वो कहते यार पैकेज लगवा दो भाई, जो पैकेज ऐसे लगवाना था ऐसे आपने देख लिया, ये बात तो है बंदे। हाँ। पैकेज लगवा लो, मुझसे जितने बाबू कहते हैं यार फेसबुक पे हम देख लेते हैं, यूट्यूब पे हम कैसे, हम कहते पैकेज करवाओ यार। ले मैं कि ये कोई बात करने वाली है यार, भी मतलब पैकेज भी लगवा देंगे आपको कभी ना कभी। हाँ कभी ना कभी, तो हम फिर अपने वो खर्चा तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट ही हुई ना, फिर वो क्या चीज़ हुई। तो बाइक पे अब जाते हैं आगे हम थोड़ा सा, बशर भाई आगे आगे जा रहे हैं, इनको पता नहीं क्या जल्दी होती है, लेकिन जल्दी तो हर इंसान को होती है आजकल के दौर में, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना ना आसान नहीं है। चले आप मोटरसाइकिल चलाएं, मैं पीछे बैठ के इनसे बातें करता हूँ, तभी आपको मोटरसाइकिल भी सिखाएं। काफ़ी लोग सिखा रहे हैं यार वीडियोज़ में आजकल तो, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना फीमेल्स भी सीखें, कभी जरूरत पड़ सकती है। हाँ स्कूटीज़ तो काफ़ी लोग अब इंटरेस्ट दिखा रही हैं उनमें लेने के लिए, बिग सिटीज़ में तकरीबन, मतलब लाहौर मुल्तान में तो अगर जाएं तो वहाँ तो मोस्टली स्कूटीज़ तो नहीं है, मतलब रेल बाइक 125 जो है वो चला रही होती हैं गर्ल्स। और इधर हमारे सिटी में भी मैंने एक आधा देखा है, वैसे अपने सिटी में नहीं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा, अपनी फैमिली को अपने, एक मैंने देखी थी वो अपने अबू को जो है ना थोड़े बूढ़े अबू थे तो उनको लेके जा रहे थे, तो अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, आना तो सब कुछ चाहिए लेकिन ख्याल से, क्योंकि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई तो वैसे डेंजरस चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी वीडियो, ऐसा व्लॉग अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कि आपको किस किस्म का व्लॉग चाहिए, या आपके कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता आपको पता है वो बनाएं, तो लाजमी कमेंट में बताएं। आज की जो वीडियो थी ना है भी इसी बारे में कि कमेंट में आपकी राय का अब सुनना भी चाहते हैं। अब हम आपके साथ चलेंगे तो आपने भी हमारी मदद करनी है, कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ऐसी व्लॉग हो, इसके बारे में व्लॉग हो तो वो हम बनाएं, तो आपने लाजमी बताएं। लोगों का तो कैमरा शेक करता है, हमारा बाइक कर रहा है, क्योंकि नीचे जो है ना कच्चा रास्ता है, बात तो है ना फिर। अरे हाय क्या व्यू है यार पीछे, मतलब सरसों के आगे तो मज़ा ही आ जाता है। सरसों तो फिर हमारी जान है ना यार, जान है ना, क्योंकि जान इसलिए कि नेचर के तो फिर हम दीवाने हैं ना। यस आज तो वही है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना इंसान बाइक पे बैठ के ऐसे रास्ते में, वही तो इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए, तो इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। चलें कहीं खड़े होकर बात करते हैं। तो आज यार हम जगह जगह पे बैठ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, बस वही बात है कि खुले में बैठ के ना फील अच्छा होता है। खुले में बैठ के मतलब, वही पंजाबी फिल्मों वाला हिसाब, जंगल पानी। हाँ वैसे मेरे याद है ये जंगल पानी, अगर आपको नहीं पता तो पता होगा। जैसे हम बैठे हैं ना यार, मेरे ख्याल से ना वेले लोग जो होते हैं ना, ये फ्री अपने कामों से फ्री होते हैं, वही बैठे होते हैं। बात ये है काम तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होते, तो क्यों ना हम जो है काम को थोड़ा सा रोक के
अपने माइंड को भी जो है ना फ्रेश करना चाहिए। ये वीडियोस तो हमने कुछ अरसा पहले ही स्टार्ट किए हैं, तकरीबन हुए 6-7 माह, लेकिन हम पहले भी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते थे, घंटों बैठे रहते थे। हम तो भाई बचपन से ही आते हैं और बैठते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई सख्त काम करना है तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन अपने जिस्म को भी तैयार करना होता है, अपने माइंड को फ्रेश करना होता है, तभी आप फ्रस्ट्रेशन से जो है ना बच सकते। लेकिन खेती बाड़ी से सख्त काम कोई नहीं है, जो लोग पीछे कर रहे हैं इधर उधर जो करते हैं, मतलब अब तो नज़र नहीं आ रहे, अब तो काम ख़त्म करके शायद चले गए हों, लेकिन ना वही काम सबसे सख्त है और मेहनत वाला है, उसी से इंसान की बॉडी भी बनती है। बॉडी तो जिम में भी बन जाती है, नहीं उससे नेचुरली बनती है, जिम में तो लोग जाते ही हैं ना एंजॉय करने। तो हम बैठे कैसे हैं बशीर भाई, थोड़ा सा इनको दिखाएं तो सही। ये देखें, ये नहीं है कि हम किसी कोई जगह ढूंढी है, हम जो है ज़मीन पे बैठे हैं। ये देखें, कोई नहीं, ज़मीन पे हैं, ज़मीन पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं मतलब ये नहीं है कि हम बहुत जो है कोई जगह ढूंढी है, बस जहाँ मिल जाए बैठ जाओ, कोई नहीं कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो धुल भी जाएँ, कोई मसला नहीं है। गपशप तो होती है ना। ये देखें, ओए होए होए, मज़ा आ रहा है, मज़ा। तो कहना यही था कुछ आपसे, पीछे से बाइक की आवाज़, मैंने कहा फिर आवाज़ मेरी क्लियरली नहीं होगी। तो बस यही भाई आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोगों ने अब जो है हमारी डेली वीडियोस को लाजमी देखना है, कमेंट करके हमें जो है सजेशन भी देते रहना है। और काफ़ी लोग तो चाहते हैं हम डेली आएँ, उनके दरवाजे पे कहने लगा था लेकिन मोबाइल पे काफ़ी लोग चाहते हैं, इसीलिए तो उनके लिए तो हमें, जो लोग डेली नहीं चाहते लेकिन वो बर्दाश्त करें। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो हमें ज़रूर करना है। आप तो करना इंस्टाग्राम पे यार लाजमी फॉलो करेंगे, वहाँ हमारी पिक्चर्स, टिकटॉक्स, उसका बहुत कुछ आता रहता है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम करते रहते हैं यार, थोड़ी थोड़ी पहले आ जाती हैं। अब तो पहले क्या, अब तो डेली इधर आपके साथ मिलना, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। हमें देखो कि ज़ाहिर है कि बातें नहीं ख़त्म होती यार। अल्लाह हाफिज़।